हाय, मेरा नाम है कृति और आज हम बात करेंगे स्लैंग के बारे में। कई बार हम लोगों से बात करते हैं और लोग स्लैंग का यूज करते हैं और हमें समझ में ही नहीं आता कि वो क्या कह रहे हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हमें स्लैंग के बारे में पता होता है, हमें स्लैंग पता होती है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हम उन्हें सेंटेंसेस में कैसे यूज करें या अपनी कॉन्वर्सेशन में उसे कैसे यूज करें। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्लैंग्स क्या होते हैं और स्लैंग्स को कैसे सेंटेंसेस में यूज करते हैं। स्लैंग आर एक्सप्रेशंस, यानी कि भाव, वर्ड्स, शब्द दैट आर यूज बाय पीपल हु नो ईच अदर। यानी कि स्लैंग्स वो भाव और शब्द हैं जो कि लोग आपस में अपने जानने वालों के साथ इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हमारे दोस्त हो गए, हमारे रिश्तेदार, या जिनके साथ हम बहुत ही कैजुअल कॉन्वर्सेशन करते हैं। These slangs are only used in informal conversation. Informal conversation से यहाँ पे मतलब है कि ये formal जगहों पर use नहीं होते, यानी कि हमारे professional terms में, यानी कि किसी office में या ऐसे किसी जगह जहाँ हम पहली बार गए हैं, किसी bank में, किसी भी office में अपने teachers से, अपने seniors से हम slangs का use नहीं कर सकते। बात करते वक्त हम अपने seniors के साथ बहुत ही formal तरीके से बात करेंगे, ना कि स्लैंग्स यूज करके जो कि इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन का पार्ट है। अब दी स्लैंग्स कैन हैव मल्टीपल मीनिंग्स। मल्टीपल मीनिंग्स से मतलब है कि ये स्लैंग्स कई तरीकों से कई सेंटेंसेस में यूज हो सकते हैं, बट इनका एक्सप्रेशन सेम रहता है। अब स्लैंग्स के कुछ टाइप मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। कुछ स्लैंग वर्ड्स जो कि आप अपने बातों में, अपनी कॉन्वर्सेशन में सेंटेंस बनाते वक्त यूज कर सकते हैं। पहला है किक एस, डिस्क्राइब विद फुल फोर्स, यानी कि फुल एक्साइटमेंट में या बहुत उत्तेजित होकर, जो कि मोटिवेटिंग हो या कि बहुत इंप्रेसिव हो या एक्सेलेंट या एक्सट्रीमली गुड। कोई चीज, कोई फीलिंग, कोई हमारा ऐसा एक्सपीरियंस जो कि बहुत ही मोटिवेटिंग है, बहुत ही इंप्रेसिव है, एक्सेलेंट है, इट्स वेरी गुड, है ना, एक्सट्रीमली गुड। इसके कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे हो सकते हैं जैसे वाओ, व्हाट अ किकैस कार, या फिर एक एग्जाम्पल हो सकता है ही फाइनली बिल्ट अ किकैस वीडियो गेम। यहाँ पे जब हम कह रहे हैं वाओ व्हाट अ किकैस कार, यानी कि हम उसकी कार देख के बहुत इंप्रेस हो गए हैं, बहुत इंप्रेसिव कार है उसकी। फाइनली ही हैज बिल्ट अ किकैस वीडियो गेम, यानी कि एक्सेलेंट वीडियो गेम बना लिया है। किक एस एक एक्सप्रेशन है जिससे कि हम बहुत सरप्राइज्ड हैं और बहुत हैप्पी हैं और बहुत इंप्रेस्ड हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है एपिक। एपिक ऐसे है जैसे वेरी इंप्रेसिव और स्पेक्टैक्युलर और अनफॉरगेटफुल, बहुत ही ज्यादा जो हमें इंप्रेस कर रहा हो, हमें बहुत ही अच्छा लग रहा हो या एकदम रेयर लग रहा हो। रेयर यानी जो कि आमतौर पर फील नहीं करते हम, बहुत ही ज्यादा अच्छा, बहुत ही अच्छा हमने फील किया है कुछ। और स्पेक्टेक्युलर यानी कि एकदम शानदार, बहुत ही शानदार है हमारी ये फीलिंग, और या तो फिर हम उसे भूल ही नहीं सकते, अनफॉरगेटफुल है एकदम, तब हम वर्ड यूज करते हैं एपिक। इसके एग्जांपल्स कुछ इस तरह हैं, इट वॉज अ एपिक मूवी, बहुत अच्छी मूवी थी, अब तक की मुझे सबसे अच्छी मूवी लगी, या फिर दैट डिश वॉज एपिक, इसका टेस्ट तो बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छा टेस्ट था, एपिक टेस्ट था। नेक्स्ट हम देखते हैं स्क्रू अप, अ मिस्टेक और अ ब्लंडर और स्पॉइलिंग समथिंग, या तो मिस्टेक है या ब्लंडर है या स्पॉइलिंग समथिंग, यानी कि कोई गलती या फिर कोई ब्लंडर हो गई या तो फिर कुछ खराब हो गया, बहुत खराब हो गया कुछ भी। तब हम यूज करते हैं ये स्लैंग स्क्रूड अप, डोंट स्क्रू अप विद मी, यानी कि आपका मूड खराब है और कोई आता है और आपसे बात करने लगता है, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर देता है, बट आपका बात करने का बिल्कुल कोई मूड नहीं है, तो आप बोलोगे डोंट स्क्रू अप विद मी, यानी कि मुझे और इरिटेट मत करो, डोंट स्क्रू अप विद मी, मेरे से और बात मत करो, मेरा मूड और मत खराब करो, इट्स ऑलरेडी स्पॉइल्ड, डोंट स्पॉइल इट मोर। इसी तरह हम यूज करते हैं डोंट स्क्रू अप विद मी। नेक्स्ट है डैम। डैम वर्ड यूज किया जाता है टू स्वेयर, टू कर्स, टू एक्सप्रेस अनॉयंस। आप कुछ किसी को कोसना चाहते हैं, किसी सिचुएशन को, या कोई ऐसी चीज हो गई और आप बस
बहुत ज्यादा गुस्से में हैं और आप बोल रहे हैं और आप किसी चीज को कोस रहे हैं और आप बहुत इरिटेटेड हैं, एक्सप्रेसिंग अनॉयंस, बहुत ज्यादा चिड़े हुए हैं किसी चीज से, तब आप ये स्लैंग यूज करते हैं। इसका एग्जाम्पल हो सकता है, डोंट वेस्ट माई टाइम डैमिट, आप जल्दी में हैं, आप कहीं जा रहे हैं, कोई आपको इंटरप्ट कर देता है, कोई आपको रोक देता है, आप कोई काम कर रहे हैं, तो आप ऐसे बोल देते हो, डोंट वेस्ट माई टाइम डैमिट। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल जो हम देख सकते हैं वो है, डैम द एनिमल्स रूइंड माई फील्ड। कोई फार्मर है, उसने अपनी फील्ड कल्टिवेट की है, यानी कि उसने अपने खेत बोए हैं और जानवर आके वो सारा खेत खराब कर देते हैं, तो फार्मर जो है वो क्या स्टेटमेंट बोल रहा है, डैम द एनिमल्स रूइंड माई फील्ड। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्लास्ट। ब्लास्ट एक बहुत ही अच्छी फीलिंग है, मतलब यू आर फीलिंग वेरी नाइस, ग्रेट एक्सपीरियंस, गुड टाइम, इंजॉयबल, मतलब बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था आपका, आपने बहुत इंजॉय किया, बहुत अच्छा टाइम आपका गया, आपने बहुत इंजॉय किया, एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस। इसके एग्जाम्पल्स हैं, आई हैड अ ब्लास्ट एट द पार्टी लास्ट नाइट, लास्ट नाइट की जो पार्टी थी वो बहुत अच्छी थी, आई हैड अ ब्लास्ट। इस तरह से आप पार्टी को डिफाइन कर रहे हैं कि यू आर हैव ब्लास्ट एट द पार्टी। एक और एग्जाम्पल है, द किड्स वर हैविंग ब्लास्ट इन द पार्क, मतलब किड्स वर इंजॉइंग अ लॉट इन द पार्क व्हाइल प्लेइंग और व्हाइल डूइंग व्हाटएवर दे वर डूइंग, बट दे वर इंजॉइंग अ लॉट इन द पार्क, सो यू यूज द स्लैंग ब्लास्ट। यू आर एक्सप्लेनिंग इट टू समवन एंड यू यूज द स्लैंग ब्लास्ट, यू आर टेलिंग योर फ्रेंड, यू आर टेलिंग योर रिलेटिव दैट किड्स वर हैविंग अ ब्लास्ट इन द पार्क। नेक्स्ट हम देखते हैं हैंग आउट। हैंग आउट तो बहुत ही कॉमन स्लैंग है और बहुत फ्रेंड्स में यूज होता है। कम ऑन डियर लेट्स हैंग आउट, कम ऑन लेट्स हैंग आउट इन द कैफे, कम ऑन लेट्स हैंग आउट इन द बार, बहुत कॉमनली यूज्ड एक स्लैंग है। इसका मतलब है स्पेंडिंग टाइम विद समवन और एमलेसली रोमिंग अराउंड विद फ्रेंड्स, यानी कि जब हम अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, जैसे हम कोई बहुत जरूरी काम नहीं करने गए बट बस नॉर्मली अच्छा टाइम स्पेंड करने अपने फ्रेंड के साथ गए, कोई मोटिव नहीं है, एमलेसली उनके साथ घूम रहे हैं, वी आर रोमिंग अराउंड विद आवर फ्रेंड्स, सो वी से कम ऑन लेट्स हैंग आउट, लेट्स गो आउट एंड हैंग आउट। वी हैंग आउट जनरली इन द पार्क व्हेन वी आर फ्री, ये इसका एक एग्जाम्पल है। इस तरह आप हैंग आउट को यूज कर सकते हैं। हैंग आउट एक बहुत ही कॉमन स्लैंग है और बहुत आराम से आप इसे कभी भी अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। तो ये थे कुछ स्लैंग्स और मैंने एक्सप्लेन किया कि आप स्लैंग्स कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे उन्हें समझ सकते हैं और इनके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। Please post your suggestions and query in the comment section. I hope you like this video. Thank you.